कुछ जगहों पर वो समय के हिसाब से चीजें चल रही हैं और व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी पीएससी के डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के माहौल को खराब न करे। धर्म गुरुओं के द्वारा भी इस पूरे प्रकरण में बहुत ही सहयोग मिला है। उन लोगों ने जगह जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराने हेतु सबसे अपील की है। इसका बहुत अच्छा असर है और हम लोग पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण फ्राइडे की का जो ये नमाज है वो संपन्न कराएंगे। अभी सर देखेंगे सहारनपुर में नमाज के बाद कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे और उधमपुर शर्मा को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया इसके लिए। वहाँ ये सूचना मिली थी कि भीड़ काफी हो गई थी, उसके बाद से लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थानों पर चले गए। सर कानपुर को लेकर के कोई अपडेट सर अभी तक? कानपुर में स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है और वहाँ पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश शासन की तरफ से और डीजी मुख्यालय की तरफ से दिए गए। सर उन्नाव का भी सर एक पोस्टर वायरल हुआ था सर जिसमें ये निर्देश शासन की तरफ से और डीजी मुख्यालय की तरफ से दिए गए। सर उन्नाव का भी सर एक पोस्टर वायरल हुआ था सर जिसमें पोस्टर इत्यादि के बारे में लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये विशेषकर वो लोग हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं और इसमें कोई किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। जहाँ भी इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाने के इंस्टेंसेज आए हैं वहाँ गिरफ्तारियाँ की गई हैं और उसमें सभी धर्म कर रहा है। सर दिल्ली में माहौल वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्राउड हुआ है नूपुर शर्मा के खिलाफ, कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाए, तो दिल्ली का सर यूपी के जो जिले हम लोग पूरी तरीके से सभी स्टेक होल्डर के साथ बात कर रहे हैं और यहाँ पे स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण और कंट्रोल। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस सतर्क है, तमाम जिलों में पुलिस की तैनाती की गई है, इसलिए जहां जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं उन्हें तितर बितर करके उनके घर भेजा जा रहा है ताकि माहौल ना बिगड़े और कोई बड़ी घटना घटित ना हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।